मान लो कोई आपको बोलता है आपका तो ट्यूमर है, लंप है, कैंसर है, तो कीमोथेरेपी करा लो। लेकिन कीमोथेरेपी करा लें, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? यस डॉक्टर साहब, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं ये करा लूंगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराया है इस स्थिति पे वो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी रही, या क्वालिटी ऑफ लाइफ, या लाइफ स्पैन ज्यादा लंबी रही, इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ नहीं कराया, चाहे पैसे के अभाव से नहीं कराया, चाहे उनका मन नहीं किया नहीं कराया, राइट? क्या कोई एविडेंस है? द आंसर इज ऑन द कॉन्ट्रेरी, एविडेंस है। लेकिन एविडेंस ये है कि जिन्होंने नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, दे आर मोर हेल्थियर, दे वो भी बीमार हैं लेकिन कम बीमार हैं, उनकी लाइफ जिन्होंने कराया उससे ज्यादा लंबी है, राइट? ये पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तो ये एविडेंस दे दिए मैंने, राइट? दीज आर द थिंग्स, ये पेज नंबर 16 में आपको ये सारे एविडेंस मिल जाएंगे, राइट? और अगर कोई बोलता है नहीं ये तो कुछ हमने बोलते चेरी पिक, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए, तो आप दिखा दो अपने एग्जाम्पल, राइट? आप जो बोल रहे हो उसको वेरी सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट दिखा दो, राइट? मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये बुक में दिया है, लास्ट में पोस्टर है उसमें सारे एविडेंस दिए हैं, राइट? कितने एविडेंस दिए? 70 मैंने एविडेंसेस दिए हैं। कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। कीमोथेरेपी क्या करता है कि जो ट्यूमर को टारगेट करते हैं उसको तो श्रिंक कर देता है, बट एट द कॉस्ट कि कैंसर को बाकी जगह फैला देता है। तो जो जो पेशेंट है ना वो तो ट्यूमर को देखता है ना, देखो ये छोटा हो रहा है, लेकिन आपको ट्यूमर को छोटा करना है या अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है? यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंटेंशन? टू रिड्यूस द ट्यूमर साइज, और योर इंटेंशन इज टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, टू लिव अ हेल्थियर लाइफ? इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हेल्थियर लाइफ, दिस इज नॉट सपोर्टिंग यू, राइट? कीमोथेरेपी से नहीं होने वाला कुछ, उससे उल्टा जरूर हो जाएगा। रेडिएशन से नहीं होने वाला कुछ, सर्जरी से नहीं होने वाला कुछ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, खैर एविडेंस ये कह रहा है। और अगर कोई बोल रहा नहीं मैं गलत कर रहा हूं तो आप प्रूव करो फिर, या तो आप प्रूव करो या मेरे एविडेंस मानो, राइट? सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि जब भी कभी भी कोई डॉक्टर आपसे बोले ऐसा कुछ कर लो, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको बुखार हो गया पैरासिटामोल खा लो, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं आपके कहने पे पैरासिटामोल खा तो रहा हूं, लेकिन क्या कोई एविडेंस है कि जिन लोगों ने इतने टेम्परेचर पे 104 डिग्री पे खा लिया वर्सेस जिन लोगों ने खाया नहीं, तो जिन लोगों ने खा लिया वो जल्दी ठीक हो गए, राइट? या कुछ रिलीफ मिला? अगेन मेडिकल लिटरेचर में इसका जवाब है, जवाब यही है कि जिन लोगों ने पैरासिटामोल लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं, दे डाई, द डेथ इज मोर प्रेवलेंट इन कंपैरिजन टू दोज हु डू नॉट टेक, नंबर वन। नंबर टू, उनके ठीक होने की जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाते हैं जो लोग लेते हैं, ये सारे एविडेंस में है। तो अगर आप इसको एविडेंस बेस्ड साइंस मान रहे हो तो आप एविडेंस पे बात करो, या फिर आप अगर एक गिमिक मान रहे हो फिर तो कुछ भी चलेगा, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप सिर्फ जो आपको बोला जा रहा है, और ये ताना बाना पूरा बिछाया जानबूझ के है, राइट? जिस चीज से ठीक होता है द डीआईपी डाइट, वो डीआईपी डाइट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, वो तो नाम रख दिया है, एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट? 12 बजे तक स्ट्रिक्टली फ्रूट्स खाना है, और लंच और डिनर से पहले स्ट्रिक्टली सलाद खाना है करीब 400-500 ग्राम, और प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन छोड़ देना है, दैट इज व्हाट इज डीआईपी डाइट। धूप में बैठना है 15-20 मिनट, दैट इज व्हाट इज डीआईपी डाइट, यही तो है ना, राइट? और आपको मैं बता दूं हमारे यहां भी एक सौरभ गांगुली है, मानस समर्थ, आप एक बार आ जाओ यहाँ पे, मानस समर्थ अपने रिपोर्ट भी लाए यहाँ पे, मानस समर्थ वही वाले केस हैं, सौरभ गांगुली वाले केस हैं, एग्जैक्टली वही केस। लेकिन मानस समर्थ ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया और इन्होंने खुद अपना एविडेंस ढूंढा कि क्या कोई एविडेंस है कि ये जो एंजियोप्लास्टी बना रहे हैं वो कौन सा हॉस्पिटल था गाजियाबाद वाला, यशोदा हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट है, पूरी फाइल है ये। तो वो जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर था, वो सारी कहानी उन्होंने देखी, ही स्टार्टेड फाइंडिंग द एविडेंस, तो एविडेंस वही मिले कॉन्ट्रेरी, देन यूट्यूब में सर्च करके आपको फिर डीआईपी डाइट मिला, ये जानते भी नहीं थे मुझे, राइट? और ही स्टार्टेड डीआईपी डाइट एंड एंजाइना, वो पेन इट वेंट अवे, राइट? अब वो कब की, कितने समय पहले की बात है? ये है सर मई 2019 की, वैसे मैंने शुरू किया था जनवरी 2020 में, राइट? तो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज, राइट? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि डीआईपी डाइट से ही ठीक हुए अदरवाइज ठीक नहीं होते, क्या कोई एविडेंस है, ऐसे भी पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैंने अपने बुक में जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो केस स्टडीज हैं, वो सब मैंने दिया है। और मैं आपको बता दूं डीआईपी डाइट कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है, ऑलरेडी देयर,
चाइना स्टडी पढ़ेंगे तो पहले से ही है, मैंने तो उसको एक सिंपल एक 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 ऐसा शेप दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप आराम से कर पाए, नथिंग मोर देन दैट, राइट? इट इज नॉट माई कॉपी राइट, राइट? तो अगर मैं बोलूं ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, थैंक यू, ऑस्टियोपोरोसिस में -6 मतलब बेड रिडन, ऑस्टियोपोरोसिस -6 का किसी का अगर आ जाए नंबर, इसका मतलब वो अब उसको जिंदगी भर लेटे ही रहना बेड पे, राइट? यानी कि उनकी बोन इज फ्रेजाइल और जब तक जिंदा रहना है तो बेड पे ही लेटे रहना है, और वहां से ऊपर से साथ में कैंसर, राइट? और उन सब से निकल के, राइट, एट द एज ऑफ 55 अगर वो मैराथन रनर बन जाए तो, सिमी हांडा आर यू देयर, प्लीज आइए एक बार, आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला, और मैं आपको बता दूं इनको मैंने नहीं ठीक किया है, राइट? इनको मैंने नहीं क्योर किया, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस तरह के डाइट पर रहें, और सर्च किया तो इनको स्ट्रक्चर डीआईपी डाइट मिला तो उसको फॉलो किया, तो एक्चुअली इट इज द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट? तो और वो ठीक होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, और होती आज आपके सामने है। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर। जिनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि भाई आप तो बेड पे रहने की आदत डाल लो, इजंट दैट, आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा सुना, राइट? तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी इज हर ओन डॉक्टर, और अब मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वाइज एक्सपर्ट भी हैं, और इस डाइट को से कई सारे पेशेंट ठीक किए, और जिन पेशेंट को ठीक किए आपने वो वाले पेशेंट के भी मैंने केस स्टडी बुक में ही डाला हुआ है, तो इनके नाम से ही डाला हुआ है कि इन्होंने ठीक किए हैं। तो ठीक करना इज नॉट द मोनोपोली ऑफ ए डॉक्टर, राइट? ठीक कोई भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, राइट? डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, राइट? थैंक यू, थैंक यू। सो अब सेरिब्रल एट्रोफी, राइट? इसका तो मुंह से शब्द ही इतना मुश्किल से निकलता है, इतना मुश्किल बीमारी है, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन डीजेनरेट हो रहा है, ब्रेन के सेल्स मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। इसका कोई इलाज नहीं है, एक्चुअली इलाज तो किसी भी चीज का नहीं है, राइट? डायबिटीज का इलाज नहीं है अगर कन्वेंशनली देखो तो। तो इसमें इंसान बस वेट करता है कि अब धीरे 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 द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, वो बेड रिडन हो जाएगा और करते 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 कोमा में आ जाएगा, एंड देन वन डे द पेशेंट विल डाई, दैट्स द एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास नाथुराम जी है सर यहाँ पे, प्लीज आइए। तो इनका केस भी आप इस बुक में ही पढ़ेंगे जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इनका केस भी ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने केस स्टडी पढ़ा, राइट? शी फिर नाथुराम जी डीआईपी डाइट पे रहे, और अब बेड रिडन रहने के बाद एक साल कोमा में जाने से जस्ट पहले, ऑल दिस जब स्टार्टेड कोमा में जाने से पहले, राइट? और आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए, राइट, आए हैं। थैंक यू। यहीं से आप एक बार हेलो कर सकते हैं, यहीं से हाँ, यहीं से कुछ बोलना है तो, ग्रेट। तो अगर आप जर्नी देखेंगे जहां तो बेड रिडन तो थे ही एक साल, राइट, और कोमा में भी जाने ही वाले थे, वहां से अब अपने बेटे के साथ ऑफिस भी जाते हैं अब, राइट? तो इट इज अमेजिंग। और मैं भी आज पहली बार ही मिल रहा हूं, राइट? सो क्रेडिट इज नॉट माइन, हाँ, क्रेडिट मेरा नहीं है, इन्होंने खुद को ही ठीक किया है। नमस्कार, थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, पापा मेरे ख्याल से 9 महीने से बेड पर थे जैसे, और शायद 22 घंटे दिन में सोए रहते थे, बट एनी हाउ हम जैसे भी डॉक्टर अमिता के पास पहुंचे और उसके बाद डाइट स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, और शायद आज 2 महीने हुए हैं कि पापा चल पा रहे हैं और दिन के पूरे रूटीन वर्क सब कुछ अपने आप करते हैं। 22 घंटे दिन में सिर्फ सोए रहते थे या लेटे रहते थे, सिर्फ 2 घंटे पूरे 24 घंटे के अंदर उठ के कुछ भी करने के लिए खाते थे, और आज वो बैठे बात कर रहे हैं। जी अब मैं ठीक हूँ जी, अब बहुत फर्क है मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? अमिता जैन। अमिता जैन, धन्यवाद। ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है इनका, और वही जो भी साल भर का जिसे टाइम दिया गया था हमें,
बट अब जो लग रहा है वो कंडीशन बहुत बहुत ऑफ हो गई है, सिर्फ शुगर की हाफ टैबलेट है और इनका इंसुलिन भी शुरू करा था डॉक्टर्स ने और सो मेनी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन क्योंकि मैं इनका केस पूरा स्टडी किया है और विद इन 5 to 6 days आप सोचो ये ऑफिस चले गए थे मेडिसिन बंद करने के बाद ही, मतलब इट वॉज मेरेकल। मुझे आंटी ने बोला चमत्कार हो गया कि डॉक्टर्स ने बोला कि कोमा में जा रहे हैं और इनके डॉक्टर ने मुझे बोला था, उनके थ्रू मेरे पास केस आया था कि इन्होंने पहचाना बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है। और जब मैंने इनका मेडिसिन देखा एट लाइक स्टेटिन जो आप हम जो मैंने एज ए न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी पढ़ा और डायबिटीज एज ए फिटर उसमें सर मैंने देखा कि यार मेडिसिन उनका डबल डोज का कर दिया था, इंसुलिन डबल डोजेस की हो गई थी। मैंने जब देखा कि इनको इंसुलिन का भी नीड नहीं है, मेडिसिन इनका हार्ट का कोई एज सच कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने मेडिसिन इनका ऑफ किया और विद इन 4 to 5 days ही वेंट टू द ऑफिस। That's wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो ये मिरेकल नहीं है, भगवान ने हमारी बॉडी को मिरेकल ही बनाया है, लेकिन हम जब ऐसा देखते हैं तो हमें मिरेकल लगता है क्योंकि हम उस हाथी के बच्चे की तरह, उस हाथी की तरह चेन से बंधे हुए हैं, राइट। तो हमारी माइंडसेट हो गई तो हम बीमार पड़े तो हम धीरे धीरे डिटेरियरेट करेंगे एंड वन डे वी विल डाई, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तो अभी छत्तीसगढ़ से रिसेंटली अभी रिटायर्ड हुए डीएसपी दिलीप कुमार जी, आप हैं यहाँ पे सर, प्लीज आइए स्टेज पे। छत्तीसगढ़ से आए स्पेशली आपसे मिलने और मुझसे मिलने, और आपके आने से पहले आज मेरे ख्याल से 11 बजे हमारी पहली मुलाकात हुई, राइट। तो आप बस एक मिनट में अपनी हिस्ट्री और अभी क्या है थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मैं दिलीप चंद्राकर डीएसपी रिसेंट अभी जनवरी 1 से हुआ हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस से, और मैं 4 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ। वेट मेरा 78 से 68 हो गया है और मैं शुगर का 20 साल से दवाई ले रहा था, वो लेना बंद कर दिया है 3-4 माह से, और मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है और इसके लिए डॉक्टर विश्वराव चौधरी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के लोग सभी शॉकिंग है कि ये जा रहा है दिल्ली, इसका पता वगैरह नोट करें कहीं एक ऊपर ना चला जाए, रिश्तेदार लोग कि ये इस तरह से चल रहा है बिना दवाई के। लोग बाग दूध की चाय मैं नहीं पीता हूँ तो लोग बाग और उल्टा पीने लग गए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है और हम लोग सही हैं। मैं बाकी लोगों को, कुछ लोगों को, दोस्तों को सलाह दिया हूँ, वो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, और मेरे परिवार के लोग भी बाद में यहाँ से जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ लेके जाऊँगा तो निश्चित रूप से कन्विंस हो जाएंगे मेरी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब के विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास समय कम है, 1 मिनट का समय हो गया सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्राणी का जो मांस है, दूध है, इसको सेवन करने से जो जिस तरह से और फल और सब्जी खाने से जिस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बन के जो शरीर को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रभावित करता है, डायबिटीज को ठीक करता है, वाकई में एक अचूक खाद्य पदार्थ है और ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक क्रिया से जो होता है, चूंकि मैं बीएससी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ तो बहुत बारीकी से समझा हूँ श्वसन तंत्र से लेकर डाइजेशन से किस तरह से हार्मोन का सिस्टम शुरू होता है, किस तरह से वाइब्रेशन मोड में खाना का जाता है, और न्यूट्रन सबसे बड़ी बात है, न्यूटन के 3rd law को जिस तरह से त्रिकोण सिस्टम से इन्होंने समझाया मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेडिसिन और साइंस, मेडिकल साइंस और ऑब्जर्वेशन थ्योरी और ट्रीटमेंट थ्योरी, ये तीनों को बहुत बारीकी से मैंने इनके कम से कम 50-100 वीडियो को देखा और इस तरह से मैं यहाँ आया हूँ, मैं दर्शन पा के धन्यवाद। थैंक यू।